The great viewers, माज़ नन्ना सबक था, लेकिन आपने एंजॉय कर लिया होगा, और तो आइए फिर मेहू साहब के फिर गांव चलते हैं, जहां वाले साहब इनको पानी लगाते हुए लठ बरदार के जैसे डुबकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं पुत्र तगड़ा हो जा, ये पानी लाएगा ते फल पाएगा। जी मेहू साहब, मेहू साहब वाले साहब बड़े डिसिप्लिन थे, फौजी थे, और आपकी तरबियत फिर एक बड़ी राजपूतनी वालदानी की जी, और बड़े मुअद्दब हुए असातिज़ा आपको अच्छे मिले जी, और यकीनन अल्लाह ने आपको औलाद भी उसी हिसाब से दी होगी जो अपनी दादा और दादी पे को फॉलो कर रहे होंगे। मेहू साहब यहाँ से आप लॉ में कहाँ से लॉ किया और फिर आपने कब लॉ किया, और छोटा सा अगर आपसे पूछेंगे लॉ के बाद जब आपने काला कोट पहन लिया तो पहला केस कौन सा था? जी सर, सर मैंने 1992 में 92 में मैंने एडमिशन लिया, लास्ट सेशन था एफईएल एलएलबी का, कायदे आजम लॉ कॉलेज ओके, वहां एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड था ओके, कायदे आजम लॉ कॉलेज माल्टन, ये मेरे पड़ोस वाला, हमारे पड़ोस वाला, अच्छा वहां मैंने सर एडमिशन लिया, वहां से मैंने एलएलबी की एफईएल की 1995 में सर मैंने इम्तिहान पास किया, कमीशन हो गया, हाँ जी, अच्छा गुड, और 1996 में सर मुझे लाइसेंस मिला, अच्छा गुड, लोअर कोर्ट्स का, ठीक है, नीचे 1998 में सर मैंने लाइसेंस लिया हाई कोर्ट का, माशाल्लाह, और 2008 में मैं लाइसेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जनाब दूसरा मेहू साहब ये तुसी एडे जिएंट लीप इनकने जिन्नाती छलांग लगाना, इधर जो कोई शॉर्टकट है या कदे नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, चूनिया डिस्ट्रिक्ट कसूर में आता है, और ये हमारा जो गांव लाहौर में आता है, यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर का फासला, वहां जाके मैं केस लड़ता था, सबसे पहले मैंने थाना छांगा मांगा का एक 302 का केस था, इसहाक उर्फ बग्गी, पहला केस, पहला मर्डर केस इसहाक बग्गी, मुझे आज भी उसका नाम याद है, थाना छांगा मांगा का वो जनाब, और सेशन कोर्ट लाहौर थी, सेशन कोर्ट चूनिया ओके, वहां जाके सर हमने वो एक एडिशनल सेशन जज साहब के पास वो केस लड़ा, और इट वाज द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस 302 का जनाब, अच्छा वो सर मेरी बेल वहां से जो केस में विन कर गया मुझे, फिर ऐसे जनाब आप डिफेंस की तरफ से, हाँ डिफेंस की तरफ ओके, वो मैंने क्विट करा दिया बंदा, अच्छा वही हो गया 302 के चार्ज से, तो फिर जनाब उसके बाद बल्ले बल्ले होगी जनाब, फिर बड़े केस आए हमारे, अल्लाह फैमिली, फिर मैंने केस लड़े लाहौर में सिविल कोर्ट, अच्छा माने अदल में हमने अपना वो सिटिंग प्लेस बना लिया, यहाँ पे बैठ गए जनाब, फिर रेवेन्यू के केस लड़े, मोगे चोरी का, ये पानी का जनाब, हालांकि बहु साहब असि तो आप ही कम ही करते सारा पानी वैसे बढ़ाता है जनाब, ओके लोग दे नहीं दैट्स गुड, अच्छा वेरी नाइस, वो रेवेन्यू के सारे केस लड़े, फौजदारी लड़े, सिविल लड़े, फिर जनाब ऐसे लड़ते लड़ाते फिर हमने 98 में जनाब फिर मैंने लाइसेंस मिला हाईकोर्ट का, फिर हाईकोर्ट में रिट पिटीशन, अच्छा लेकिन बड़ी मजेदार बात है मेहू साहब आपको बताएं, आपने एक चीज का तो जिक्र ही नहीं किया, आपने सारे केस लड़े लेकिन आपने इलेक्शन भी लड़ा, इलेक्शन में लड़ा वो आप लड़ा इलेक्शन नहीं, वो कहते हैं कि हर गेम खेली जाती है, मैं अक्सर कहता हूँ हर गेम खेली जाती है, ये बदबख्श इलेक्शन लड़ा जाता है, लड़ा जाता है, अच्छा जी मैं 2018 के इलेक्शन में मैं एमएनए का इलेक्शन, बड़ी बात है, हल्के से बड़ी बात है, इसी कंस्टिट्यूएंसी में, इट वॉज ए ग्रेट ग्रेट स्ट्रगल फॉर यू, और कीप इट अप, आपने कमाल कर दी, लोगों ने बड़ा प्यार किया, मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा, बहुत बाल्टी मेरा निशान था जी, हाँ बाल्टी फुल कर देती आप लोगों ने, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहू साहब बहुत शुक्र, एक रोज कहते हैं आपने प्रोसेस किया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट इलेक्शन पहला 302 का केस, सारा दिन केस 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 केस, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये सारे केस जिसके ऊपर दारोमदार है बेस कर रहा है केस 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 ना, उसकी जो अम्मा है उसकी जो दाई है वो एफआईआर है जी सर, यही है जी, ये आपने बड़ा ये ना बड़े इंटरेस्टेड बात कर दी और बड़ी कहते वो दुख दी रख दिया एक ना इस पंजाबी में हां जनाब थोड़ी गलत दसना था, ये एफआईआर दे बारे एफआईआर दे बारे कहावत है अखों अन्नी दे ना चिराग बीबी, ये चीज जनाब एफआईआर की, अच्छा वेरी गुड, अच्छा इसका कोई लिखने वाला कोई बाहर से पढ़ के आता है एक्शन से पढ़ के आता है इनका एफआईआर जो, अच्छा सर एफआईआर का जरा इसको एलेबोरेट भी करने के क्या बनता है इसका,
एफ आई आर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफ से फर्स्ट, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिपोर्ट। ओके, ये कोई एक्सन से पढ़ के आता है या कोई अटॉर्नी जनरल पढ़ के आता है, ये कौन करता है? मैं जनाब गुजारिश करता हूँ, ये जनाब मिडिल फेल किस जमाने में जनाब, अब तो मैट्रिक पास तकरीबन बंदा लगाता है। अच्छा, कोई नया मुहर्रर या मुहर्रर होता है थाने का, वो जनाब ये एफ आई आर लिखता है, कातबे एफ आई आर जो है एफ आई आर इस मुल्क में, इस मुल्क में वो जनाब मैट्रिक पास या मैट्रिक फेल। बड़ी खुश नसीबी उस थाने की जहाँ मैट्रिक पास होगा। ओके, तो ये तो आप थोड़ा सा शोर आया नहीं, पहले तो मिडिल पास भी दो जमात पढ़ा तो थानेदार होता था, मुहर्रर तो बड़ी जी 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 जी, वो जनाब इसको कातब होता है, वो लिखता है, इसी एफ आई आर के बेस पे बंदे को सजाए मौत सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, इसी एफ आई आर के बेस पे बंदा बरी होता है, और इसका आप कातर देख लें, इसको लड़ने वाले कानून दान पीएचडी की हुई है, बारिट ला किया हुआ है, पढ़े लिखे जजेस हजरात कि उनका कितना क्राइटेरिया, और एक एफ आई आर लिखने वाले का क्राइटेरिया उसको देखे आप जनाब कैसा। मेहू साहब आपने कमाल बात कर दी और मिसाल भी बड़ी खूबसूरत दी कि और मेहू साहब ही बताए कि ये जो एफ आई आर है हो गई आपके गांव में या किसी मोहल्ले में, एक हादसा हो गया, आप उसको बंदे ने फायर मारा, लड़ाई हुई, फायर मारा, एक फायर के बाद वो जो हवालदार साहब हैं, जो कातबे एफ आई आर हैं, वो उसमें 25 ललकारे वाले डाल देता है। औरतों के बेचारी ख्वातीन उस वक्त होती भी नहीं है, क्यों ना, मर्द तो आपने डाल दिए, ये एक मर्डर के ऊपर इस केस में उसने 10 खानदान के बंदे जो है जायज नाजायज इन्वॉल्व कर दिए, इसके ऊपर बताइए ये जुल्म कब रुकेगा और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जनाब ये मेरी गुजारिश इसमें कि जो ये एफ आई आर लिखने वाला बंदा होता है जी जी, जो जिनके साथ हादसा पेश आया होता है वो देहात के रहने वाले होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गूठा छाप होते हैं, बिल्कुल सही, वो जनाब बताते हैं बताएं, यहाँ सर निजाम ऐसा है जी जी कि जिसका जुल्म हो रहा है वो भी जालिम बन गया, और जो मजलूम है वो तो जालिम है ही जी, बिल्कुल सही है, अब जो मजलूम है ना वो जालिम किस तरह, जो मुद्दई है वो सबसे बड़ा मजलूम है ना, वो तो रुक गया ना, वो जालिम इस तरह हो गया जी जी, कि उसने एक बंदे ने एफ आई आर में 302 किया, दो बंदे ने किए, वो 20 बंदे बेगुनाह डाल दिए, बिल्कुल ठीक, वो डरवाता है पुलिस वाला, हाँ जी हाँ पुलिस वाला, उस पर कोई चेक नहीं, उस पर कोई चेक तो है। पहली बात तो सर ये कि कोई आपका कभी इतफाक हुआ हुआ थाने में एफ आई आर दर्ज करवाने के बारे में जी जी, तो जनाब वो आप मुझसे बेहतर समझ सकेंगे फिर, तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे पूछता भी हूँ, पहले मैं, आपने अच्छी बात की कि मुझे तजर्बा क्या हुआ। द ग्रेट व्यूअर्स, मेहू साहब ने कमाल बात छेड़ दी, मेहू साहब कुछ 4 साल पहले मैं मॉडल टाउन लिंक, मॉडल टाउन पेस की बैक पे, मेरी हमशीरा का घर था, मैं और मेरी वाइफ वहां गए, और मैं जाके बहन के घर पे कार मैंने रोकी और वो बेल दे रही थी, इतने में मैंने शीशे में देखा कि दो नौजवान लड़के आ रहे हैं और वो पिस्टल रस्ता सीधा कर रहे हैं, तो मैं समझ गया कि लड़के रॉबरी करने आ रहे हैं, वो मेरी कार के पास आके रुके, मेरे हाथ में एक मोबाइल था, तो उन्होंने आते आके पिस्टल सीधा किया और उन्होंने कहा कि मोबाइल दे दो, मैंने कहा बेटा बदतमीजी नहीं करनी, ये मोबाइल पकड़ो, मोबाइल दिया, मेरा वॉलेट वहीं पड़ा हुआ था, मेरी बेगम को नहीं पता कि डकैती हो रही, उसने कहा कि कोई कमियान साहब के जान वाले, वो बेचारी जब आई तो जब वो बैठ गई तो बच्चों ने, वो डाकू बच्चों ने, उन्होंने कहा कि ये पर्स भी दें, तो इतनी बेचारी कंफ्यूज हो गई कि उसको तो पता नहीं चला, तो उसने कहा पर्स तो मेरे पास नहीं है, हाथ में तो नहीं था, एनीवे अल्लाह ने कर्म किया, हमें अल्लाह ने बचा लिया और वो चले गए। मैं वहीं बिल्कुल साथ ही थाना है, तो मैं थाने गया तो SHO साहब बैठे हुए थे, बट साहब नाम भूल गया हूँ, बट साहब थानेदार साहब थे, और शहर का थाना, मैं शहर में 41 साल में लाहौर में हूँ, मेरे मालिक का करम है, बड़ा एलिवेटेड मालिक ने बड़ी इज्जत दी थी, मैं मीडिया का बंदे से पहले और अच्छी पोस्ट पे था, लेकिन जाके मैं खड़ा रहा, SHO ने मुझे ये भी नहीं पूछा कि आप बैठे किधर आए पानी पी लें, क्योंकि आप अंदाजा करें कि रॉबरी हुई थी और उन्होंने हमें बचाया था। थोड़ी देर के बाद मैंने उन्हें कहा ये हो गया, तो उसने बड़ा बादल नखासा बाहर आवाज दी, जाओ इन्होंने लाल जाओ जरा, अब मेरे साथ क्या जाना था उन्होंने, मैंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं। अब मेहू साहब देखें, मैं इस शहर का बासी, मैं पढ़ा लिखा आदमी, हाईली क्वालिफाइड, मैं जर्नलिस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह 98 से जर्नलिज्म, कॉलमिस्ट टॉप का, अल्लाह ने करम किया, मीडिया सारा प्रोग्राम ये करता हूं, मेरे साथ ये हुआ, मैंने रास्ते से आके, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं आ गया, मैंने कहा छोड़ो मुझे नहीं चाहिए, मैंने घर से आके एक जगह पे कॉल की, कॉल 15 से पहले ऐसे घूमी कि फिर मेरे घर कॉल यानी शो गई, और अब मैं कानात का करूँ सर के एफ आई आर की बात कर रहा हूँ, फिर मेरे गेट पे SHO जा ही नहीं रहा था कि सर
वो हुक्म हुआ कि आपको मोबाइल भी लेके दे दूं। सर को मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमने अटेंड भी नहीं किया यार, माफिया फाफिया एफ आई आर मेरे घर आ गई। लेकिन ये क्यों, ये किस तरह, अब आप बताइए। आप मेरे साथ तो एक आप थे जी जी कि आपके साथ इस तरह ऐसे चो पीछे एफ आई आर घूमती आई और आपको यहाँ खड़े रहने जाते नहीं थे। ये तो आप हैं जी, जो लोग बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जो लुटते हैं, रॉबरीज होती हैं, हाउस डकैती होती हैं, जिनकी बच्चियों के साथ वार डकैती के साथ जना ज्यादती की जाती है, जी जी। उनके दिल पे क्या बीतती है, उनके कौन उनको जख्मों पे मरम रखता है। ये पुलिस वाले ऐसे अगर संगीन को वारदात हो जाए, ठीक है, तो उसकी इतला देने थाने जाए ना, वो जो संतरी बार खड़ा था कहता साहब सुता है जा, ये साहब नहीं है थाने से, वो इंटरव्यू होने देता, वो थोड़े से रेसिस्ट करे, को जो जोर डाले कि मेरे साथ ज्यादती हुई और जोर डाले, तो मोहर के पास जा यार, मोहर बैठा सामने उसे चला जा, मोहर साहब की होया माई तेन की गल है, की बात है, लुटे गया जुलम हो गया, अच्छा तू ना पता लिखा जा, तेरे रपट दर्ज हो गई है, तेरे मौका देख लेने, ये इंसाफ होता है थाने में। फिर अब आप ज्यादा कुछ मोहल्ले के को चेयरमैन को चौधरी को वो लेके जाएंगे, रुलना पड़ता है, रुलना पड़े थाने में जाएंगे, आपको एसएचओ को मिलने के लिए जनाब इलाके का काउंसलर एमपीए एमएनए चौधरी नंबरदार से रजू करना पड़ेगा, पहले आप उनके देने चाहेंगे, अभी ये एफआईआर फिर उसको आप वो आपके साथ वो मेहरबानी फरमाएगा नंबरदार साहब, चौकीदार साहब, नाजम साहब, वो कहेगा यार कल हम मेरे को टाइम नहीं, कल चलेंगे, एसएचओ को फोन करेगा यार मसला, उसने सर कहना है एसएचओ साहब को और नाजम साहब ये बड़ी संगीन वारदात है, ये दफन करा, सारी कोशिश करे पर्चा ना होए, और पर्चा तो करते ही नहीं, पर्चा करते ही नहीं है ना ऐसे जुराइम के, आप भी नहीं करते, वो फिर वो कोशिश करेगा, अच्छा फूफी मासी तेरे लाभ चोर कोई गल नहीं, तू आराम ना बह जा, तेरी अखा खराब ने ला एसएचओ साहब ने 2000 रुपए जाए, ये अखा जे दारू शारू पा तो तेरा लाभ ने, वो ऐसे उनको नफसियाती तौर पर वो क्लिक करते हैं लोगों को, शहरियों को, उनके एफ आई आर दर्ज होने की बात तो बहुत दूरी बात है, उनको कुछ करते ही नहीं, दरखास्त भी नहीं लेते, वो खा जाते हैं। अब ये सब बड़ी दिलचस्प बात है, जब मैं ये वो सारा आई एम ग्रेटफुल टू टॉप पुलिस, तो मेरे घर आ गए, बाहर खड़े रहे पुलिस एस एच ओ साहब आए रहे थे, लेकिन बड़ी इसके ऊपर मैं सब मजेदार बात सुनने, वो फिर मैंने कॉलम लिखा कि डाकू भी मेरा कितना एहतराम करते हैं, तो फिर आई जी ऑफिस कॉल आ गए, वो मैं थाने से जब निकल रहा था तो मुझे जब बैच छोड़ने आ रहे थे तो हवालदार और सारे कह रहे थे कि सर तुसी सर आया जाया करो, तोड़ा ही थाना है, तो मैंने कहा, मैंने उस पर भी लिखा था कि जब हम एक एक गाड़ी की सुपुर्दारी करवानी थी मैंने, तो मेरे अजीज बच्चे पकड़ लिए थे उन्होंने, बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो पुलिस वाले कहने के सर आधे जाने रहा करो, तो मैंने लिखा कि जब हम कार का मुकलावा लेके थाने से निकल रहे थे तो तमाम थाने वाले पुलिस का अमला हमारे आगे मिनते कर रहे थे कि जनाब आंदे जाते रहा करो, ये तुहाडा ही थाना है, तो आई जी के ऑफिस से कॉल आ गई थी कि मैसेज रहा थोड़ा रखो, सो बहुत जुल्म है, मैं उस सबसे ज्यादा नाइंसाफी समाचरे में करवाने में हाथ पुलिस का है, उसकी रीजन मैं वकील हूं, मैं दलील से बात करूं, लेकिन सर इस पे मुझे आपको पूछना पड़ेगा कि फिर इसके साथी वकला साहबान भी है, वो बाद की बात, पहले मैं थाने की बात, ये किस तरह नाइंसाफी का जरिया बनते हैं, ओके, एक बंदे की एफ आई आर ये देन रहे वकूआ हुआ, एक बंदे ने रिट करके पिटीशने करके आईजी को अप्रोच करके हायर पुलिस अब चक्कर लगा लगे महीने बाद एफआईआर दर्ज करवा ली, जी जी वो काम कामयाब हो गया, बिल्कुल ठीक है, तो वो फायदा मुजरिम को हो गया, वो पहले कोर्ट में जाके मुजरिम कहेगा देखो जनाब ये 1 महीने की डिले है एफआईआर में, वो तो बेचारा पहले दिन थाने आया था, उसने तो सुनी किसी ने नहीं, उसने उस मुदई का क्या कसूर। अच्छा मैं सब यही मुझे आप बता दें, कोई लेटेस्ट आप वाकया बता सकते हैं हमें को जो आप जिसको फेस कर रहे हो और रुल गए हो, हाँ, आपका क्लाइंट जो है वो भी रुल गए हो और आप भी बतौर सुप्रीम कोर्ट आपका जमीर झंझोड़ रहा हो कि यार मैं उसकी कर रहे हैं, यानी अगर एक एफआईआर और जायज एफआईआर वास्ते भी जरा इसका बताएं कि किस थाने का कोई वाकया बता दें, कौन कंसर्न डीपीओ है, मुझे एफआईआर का हवाला भी दीजिए प्लीज। सर एक एफआईआर है, नंबर है 425/18 थाना। आई जी साहब द ऑनरेबल आई जी जनाब सलीमी साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब और कप्तान साहब को भी कह देते हैं, चाइना से वापस आके देख लेंगे प्रोग्राम इंशाल्लाह, जरा सुनिए ये पूरा प्रोग्राम जरा सुनिए, और एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सिर्फ ये बता रहे हैं कि एफआईआर का नंबर दे रहे हैं और उसके बाद जो एफआईआर के साथ हुआ क्या बताइए मेरे साहब। वो हुआ ये 10/7/2018 का सर हुआ है,
ओके अभी अभी रिसेंटली ठीक है 7 जुलाई में इलेक्शन के दिनों कहाँ का ये मौजा भंबा है सर गांव ओके थाना कोटा दर्शन के इलाके में आता आईजी साहब आई रिक्वेस्ट योर स्टाफ ऑल एंड टू योर ऑल टीम कि ये जरा मेहरबानी फरमाइए कि आप सुनिए एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट क्या बेबसी का इजहार कर रहे हैं जी सर वहां पे सर झगड़ा हो गया दो पार्टीज का ठीक है इसमें एक पार्टी थी उसके 3 बंदे जख्मी हुए उनको फायर लगे ओके और 2 बंदों की हड्डियां टूट गई झगड़ा क्या था सर प्रॉपर्टी का था रिश्ते का था क्या जमीन का पैसों का झगड़ा था ओके लेन देन का झगड़ा था उस पे जहां पे झगड़ा हो गया ओके जिस पार्टी को फायर लगे थे जी जी। जिस पार्टी के 3 बंदे मजरूब हुए थे वो रिजल्ट भी लेके आ गए थाने में एसएचओ ने पर्चा दर्ज नहीं किया डॉक्टर मुलाजा जनाब एमएलसी आ गई 337F5 की और 324 की ओके उन्होंने उनको बॉदर नहीं किया उनको फेंक के मारा थाने में गेट आउट तो उनकी सिफारिश नहीं थी इज इट पॉसिबल आपके पास FIR है तो मैं कोशिश करूँ की FIR मैं डायरेक्ट दिखाऊँ हाँ FIR है पास वो अभी इधर है इधर है गाड़ी में रखी हुई लिफाफे मेरे पास है मैं दिखा दूंगा ओके द ग्रेट व्यूअर्स अभी वक्फे में हम आपको वो FIR दिखाएंगे ताकि आईजी साहब जरा देखें कि ये क्या हो रहा है और सलीमी साहब की बड़ी तारीफ सुनी है और मैं सलीमी साहब को जो नए आईजी हैं जिन्होंने शेरवानी नई नई पहनी है वो बड़े प्रोफेशनल हैं बड़े सीजन्ड हैं और क्विक एक्शन के कायल हैं लिहाजा मैं उनके स्टाफ अफसर से भी जनाब जमील भट्ट साहब से भी गुजारिश करूंगा उनके तमाम अमले से गुजारिश करूंगा कि इस पर सीरियस एक्शन हो कि ये क्यों है ये जुल्म कब तक चलेगा यानी एक गरीब खानदान को मार मार के उनके कोठे गिरा दिए जाएं, बच्चे मारे 12 साल के बच्चे को पर्चा दे 1 सेकंड में हो सकता है एक वजीर के कहने पे, लेकिन जिसका कोई वजीर नहीं है जिसका कोई बेतदबीर कुछ नहीं है वो इस तरह रोलता रहेगा तो ये हम आपको अभी थोड़ी देर के बाद FIR लाइव दिखाएंगे और हम तवक्को करते हैं कि इस पे FIR के ऊपर एक्शन नहीं वो कंसर्न थानेदार वो कंसर्न DPO साहब से पूछा जाए कि तुसी की चांदे जे जनाब वो सर फिर जो जिस पार्टी के 2 बंदे मजरूब हुए थे जी जी। और जिनका रिजल्ट भी झूठा था वो वहां के चेयरमैन ने मिलके जट साहब को वहां के चेयरमैन यूनियन कौंसल इलियास को जट नाम का बंदा ओके। उसने जनाब पुलिस वहां से मिलके उल्टा जिन बंदे के 3 बंदे मजरूब हुए थे उन पर पर्चा करवा दिया 425/18 337F3F5 वगैरह का उन्होंने अपनी अबूरी जमानते करवा ली मुलजमान ने उनमें से कुछ 3 बंदे ऐसे थे एक कराची में था कोई फैक्ट्री में था कोई पेशावर में था उनका नाम भी डाल दिया बीच में बेगुनाह जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं जो जिक्र कर रहे हैं बेचारे वो मुहर्रम का कमाल देखे आप यानी एक तो है ना कि इस पिंड में नहीं सन हाँ वो दो शहर में नहीं थे सूबे में नहीं थे ओके उन्होंने पूरी जमानती करा ली उन्होंने बड़ी मिल मिला के कोशिश करके तरले मिलने तक अफसरों के पेश होके वहां पे सदर सर्कल का कोई ASP था जुबैर नजीर ASP लगा हुआ उसके पास पेश हुए मेडिकल पेश किए कि जनाब लुट गए मर गए साढ़े देखो 3 बंदे फटर अदाम में आ गए और फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेहरबानी की ASP साहब ने उनका क्रॉस क्वेश्चन नहीं उसका क्रॉस क्वेश्चन दर्ज करवा दिया हमारा भी बीच में जबकि हमारा पर्चा होना चाहिए था हम मुल्जम हम मुदई होने चाहिए थे हम मुल्जम बड़ी मुश्किल से क्रॉस क्वेश्चन उनका दर्ज हुआ अच्छा दर्ज हुआ हुआ आज तक उन मुलजमान ने किसी ने बुरी जमानत नहीं कराई कोई पुलिस का सिपाही उनके घर नहीं गया उनको जनाब गिरफ्तार करे और पुलिस उल्टी हमारे पीछे पड़ी जो हमारे बंदे बेगुनाह हैं उनको बेगुनाह भी नहीं कर रहे और जो हमारे मुलजम उनको पकड़ भी गया देखें कैसी नानसाफी हमारे साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे एक दफा सिर्फ रिपीट कर दें कि ये कसूर का ये कसूर आसिफ शहजाद साहब DPO लगे को नए डॉक्टर आसिफ शहजाद डॉक्टर आसिफ उनके बारे में सुना है कि बड़े वन साहब डॉक्टर साहब मैंने अच्छे आदमी है मैंने अभी उनसे उम्मीद करते हैं इनको बेचारों गरीब को साफ दिलाए इनको कि इनका भी हको सलबी हो जनाब इनके साथ ज्यादती हो रही है बल्कि मैं मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि ये बड़ा जुल्म हो गया और आईजी साहब से भी गुजारिश कर दी लेकिन रिसेंटली असाइन मियां बिलाल सदीक कमियाना साहब RPO मियां साहब ये आप सुन रहे हैं मेहरबानी फरमाएं जरा आप खुद भी इंटरेस्ट ले लें इट्स अ वेरी सीरियस केस एंड वी रिक्वेस्ट यू टू टेक अ सीरियस एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल जिन्होंने ये जुल्म किया है और इस पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन कर दी जाए मेरी कोशिश होगी कि मैं खुद भी इस केस में इसको चूंकि हमने आगे फॉलोअप में लेके जाना है मैं खुद भी जाऊंगा आई विल मीट मियां बिलाल साहब और DPO साहब से मैं
मैं अपनी टीम को कह रहा हूं कि वो कल या परसों जाके डीपीओ साहब से डॉक्टर आसफ शहजाद साहब से मीटिंग कर लें, उसमें बल्कि मैं चौधरी नवाब अली जो मेहू साहब हमारे मीडिया कंसल्टेंट भी हैं ये खुद भी वहां जाएंगे और हम फॉलो अप रखेंगे। लेकिन मेरी मुझे बड़ी तवक्को है कि क्योंकि मियां ब्लासदी कमियान साहब सो एंथुसियास्टिक पुलिस ऑफिसर हैं, वो बड़े मेरिट पे चलने वाले बंदे हैं, मैं उनसे ही कहूंगा कि इस केस को वो बतौर टेस्ट केस लें और इस पे देखें जिन्होंने ज्यादती की है उनको टेकन टू द टास्क करें। जी मेहू साहब, और जो उस मुकदमे का बड़ी इंटरेस्टेड बात ये है कमियान साहब कि जो तफ्तीशी है एएसआई अमानत अली साहब, यानी अच्छा यहां भी सर जरा सुने, यानी एक तो एफआईआर पे नेले पे गला, यानी अखोनी नाच रहा भी ऊपर से जिसने तफ्तीश करनी है वो भी कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा नहीं हुआ, नहीं वो एएसआई है जी हाँ। वो बंबा चौकी में लगा हुआ है। अच्छा। वो जनाब उसने क्या किया कि 5 महीने हो गए इस एफआईआर को दर्ज हुए, 7 महीने का अब ये है, अब ये 10वां महीना है। आप दोबारा बोलिए इन्वेस्टिगेशन आईओ का अमानत अली एएसआई आईजी साहब और वेरी डियर आरपीओ साहब डीपीओ साहब, ये जरा देखें ये मुल्क का निजाम सारा एफआईआर लिखने वाले के बाद तफ्तीशी एक एएसआई है और एक घर के 5, 6, 7 बंदे जख्मी हो गए, पूरा खानदान बर्बाद हो गया, कोई भाग रहे हैं कोई दौड़ रहे हैं, जो बेचारे मुद्दई थे वो मुलजमान बना दिए गए, ये क्या हो रहा है। सो आई रिक्वेस्ट के इसके ऊपर फॉरन स्ट्रिक्ट एंड रेमेडियल एक्शन होगा। जी मेहू साहब, तो 10वां महीना सर 11वां शुरू हो गया, अभी तक उसने तफ्तीश ही कंप्लीट नहीं की। मुलजमान आ रहे हैं कचहरियों में धक्के खा रहे हैं जा रहे हैं, जज हजरात शायद सही साहिबा एडिशनल सेशन जज जिसके पास इनकी बेल लगी हुई, उसने बार बार डायरेक्शन दी आईओ को ये फाइनलाइज करे, जो बेगुनेगार इसको गुनेगार करे, जो बेगना बेगना करे। नहीं लेकिन मेहू साहब कोई उसमें मेहू साहब इस पे क्या आप समझते हैं कि एडिशनल सेशन जज साहिबा जो है खातून है ना शायदा सईद, वो शायदा सईद मोहतरमा ऑनरेबल शायदा सईद साहबा इतनी बे अख्तियार हो गई हैं कि वो रोज उसको प्यार से कहती हैं बेटा भाई जाओ, वो उसको स्ट्रिक्टली एएसआई की तो सेशन जज साहब 2 मिनट में वो बेड उतरवा के रख देते हैं, तो ये क्यों एक्शन नहीं हो रहा। उसके पास दरअसल ये है ना केस 2 पेशियों से पहले आया, पहले ये एडिशनल सेशन बैठता उसके पास ट्रांसफर होके इसके पास आया, अब कहां कसूर में, कसूर में अब आया, पहले कोर्ट एडिशन तहसील थी, थाना कोर्ट एडिशन को तहसील उन्होंने बना दी कोर्ट, उधर ही एडिशन सेशन जज साहब को बैठते हैं चूनिया से आते ओके कैंप पे, और कैंप अच्छा कैंप में आते थे तो उनसे ये केस अब प्रॉपर अब इसके पास प्रॉपर कोर्ट में आ गए, कसूर की कोर्ट में आ गए, कसूर की कोर्ट में, दैट इज इट। तो वहां पे जो लर्नर एडिशन सेशन जज साहब है उसने डायरेक्शन दी आईओ जी जी कि इसको लाजमी कंप्लेंट, अदरवाइज तुम्हारे खिलाफ एक्शन होंगी। मैं हम दरख्वास्त करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कसूर से, अ वेरी ऑनरेबल सर, we don't want to intervene in this case, लेकिन यहां इंसाफ, जहां इंसाफ का कत्ल हो रहा हो, जहां आईओ जो है आईओ बात सुनने के लिए तैयार ना हो, 5-7 महीने से आईओ साहब उसी सूरत में आते हैं जब आप एक बटन दबाते हैं तो आईओ भागता आता है, जब आईजी साहब तलब करते हैं सारी पुलिस दौड़ लग जाती है, जब चीफ जस्टिस साहब तलब करते हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हिज लॉर्डशिप या ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो सबकी दौड़ें लगी होती हैं, तो गरीब के लिए किसकी दौड़ लगेगी, कब दौड़ लगेगी। तो हम दरखास्त करेंगे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से कि इसमें मोहतरमा सोना बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने में ताखीर क्यों। जी सर, एक और ऐसा इंटरेस्टेड बड़ा सनसनी केस वाकया पेश आया रिसेंट, वो मेरे पास केस है गाड़ी का, एक टीचर था, मैं सर इसको अभी लेते हैं, पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम एफआईआर लाइव दिखाते हैं तो आप ग्रेट व्यूअर्स, हमारी कोशिश यह है कि हम ये बड़ा बर्निंग इशू है और इससे ज्यादा क्या जुल्म हो सकता है, गो इस तरह के मजालम की दास्तानें भरी पड़ी हैं। मैं जनाब मोहतरम चौधरी नवाब अली मेहू साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिशियन और जिम्मेदार, उनके आप टीयर सुने कि एक इतना हाई प्रोफाइल शख्स जो है वो किसके आगे बेबस है इंसाफ लेने के लिए, अपने क्लाइंट्स को दिलाने के लिए, अपने जो उनके जिनका केस उन्होंने पकड़ा हुआ है वो बेबस किसके आगे हैं। पहले एफआईआर लिखने वाले वो मसीहा जो एफआईआर लिखता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा इस मुल्क को चलाने वाला
तफ्तीशी 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 जिससे लोग डरते हैं बेबस हैं। आइए हम आपको एक छोटे से वक्फे के बाद, प्लीज रिमेन विद अस, स्टे विद अस, हम आपको अभी वो FIR दिखाएंगे जो रुलती फिर रही है, जो कानून के मुंह के ऊपर तमाचा है। वी आर शॉर्टली कमिंग बैक, स्टे विद अस।